नमस्ते इंडिया। दोस्तों, आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच पूछिए तो आज मेरे भी पेशेंस का एक बहुत लंबा टेस्ट हो गया। मैं काफ़ी समय से, लगभग एक घंटे हो गए, एक घंटा से ऑनलाइन आने की चेष्टा कर रहा था, मगर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले से बता रखा है कि मैं यहाँ सिस्टम चाह रहा था कनेक्ट करने का ट्रेनिंग के लिए, वो मैं आपको क्लासरूम की तरह ट्रेनिंग दे सकता था, यहाँ पर बैठकर बोर्ड पर पढ़ा सकता था, तो वो पूरा टेक्नोलॉजी मैं यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि बैंडविड्थ की बहुत कमी है, नेटवर्क बराबर नहीं चल रहा था, और फाइनली मुझे पुराने मेथड से ऑनलाइन आना पड़ा। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? पर सुनाई दे रही है या नहीं? वरना मैं फिर पहले उसका अरेंज कर लूँगा। आज सच पूछे तो बहुत ही गंदा नेटवर्क है मेरे यहाँ पर। न्याज क्या है बता रहे हैं कि ग्रुप में रिस्पांस नहीं है। भाई, मैंने बहुत ही क्लियर बता दिया था कि अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है मैं कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट टाइम कंट्रोल करने के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा था। तो अमोनिया कंट्रोल आज बताऊंगा, क्योंकि जो बहुत समस्या फार्मर्स को सबसे अधिक समस्या आ रही है वो है अमोनिया कंट्रोल का, और अमोनिया कंट्रोल बहुत ही आसान है अगर आप उसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो। और अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं अमोनिया कंट्रोल किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो मुख्य, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वेस्ट मैटर होता है बायोफ्लॉक में या एक्वा कल्चर में, नॉट बायोफ्लॉक में, एक्वा कल्चर में जब आप मछली पालन करोगे तो उसमें जो मुख्य वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया। और ऑफ कोर्स जैसे जैसे फीकल वेस्ट है, टॉयलेट है, कार्बन टैंक में, तो अब ये जो अमोनिया है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि अधिकतर लोग और घुमा फिरा कर उनका पूरा दिमाग एक ही चीज़ पर जाता है, प्रोबायोटिक्स पर, कि प्रोबायोटिक्स के कारण नहीं हो रहा है। प्रोबायोटिक्स मतलब, जैसा कि पहले भी समझा चुका हूँ मैं, कि प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है गुड बैक्टीरिया। तो देखिए, गुड बैक्टीरिया अपनी जगह है, अगर गुड बैक्टीरिया को उसका भोजन नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो अमोनिया कंट्रोल नहीं कर पाएगा। होगा टेस्ट करके एक वीडियो है, हो सके तो वीडियो आप अच्छे से समझ जाएंगे तो अमोनिया कंट्रोल करना आपके चुटकियों का खेल हो जाएगा, चुटकियों का। अमोनिया कंट्रोल करने में लोग फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि सिर्फ प्रोबायोटिक का काम है अमोनिया कंट्रोल करना, लेकिन प्रोबायोटिक यानी गुड बैक्टीरिया उसको क्या क्या चाहिए? आयोडीन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि आप तो है टैंक में आप नमक के, ये आयोडीन फ्री सॉल्ट होगा ऐसा अजम्पशन कर आयोडीन फ्री है कि नहीं है उसकी कोई पहचान नहीं होता। उसी तरह दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है गुड़ है, वो है जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है ठीक से और बैक्टीरिया डेवलप नहीं करता है। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि गुड़ और आयोडीन वाला नमक सही से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे सारे बैक्टीरिया पता लगा पाएगा कि आपको, आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है ये पता लगाना कि जो गुड़ आप यूज़ कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हो, कार्बन सोर्स उस पर अच्छा हो, और उसमें एंटी प्रोबायोटिक नहीं हो, मतलब माइक्रोबियो क्या बोलते हैं कि मतलब उसमें कुछ ऐसा प्रिजर्वेटिव नहीं हो, के लिए तो आपको लेबोरेटरी यूज़ करना पड़ेगा कि भाई इसमें कुछ ऐसा प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, ऐसा कुछ केमिकल तो नहीं है जिससे बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाएगा।
तो अब एक किसान ये तो नहीं कर सकता, हर किसान ये टेस्टिंग लेबोरेटरी में ले जाकर। उसी तरह जब जब आप नमक लेकर आओगे तो एक किसान हर बार तो नमक टेस्टिंग नहीं कर सकेगा खुद से कि उसमें आयोडीन है कि नहीं है। इसी सब को सामने रखते हुए मैंने एक बकेट टेस्ट डेवलप किया था। खोल कर ठीक से सोचिए, आप फालतू का आप जो है अपने दिमाग को बहकाइए मत। मैं किसी बुरे सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कि गूंग उबर इन द सेंस में ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग जो है पुराने ज़माने में वापस जाना चाहते हैं और वक्त पूछे पीछे कभी नहीं जाता है, जो आगे बढ़ जाता है आगे ही बढ़ता रहता है, समय कभी पीछे नहीं जाता है। आप कितना भी रोकना चाहो समय को नहीं रोक सकते, और अब समय इतना आगे बढ़ गया है कि हम जानते हैं कि पानी में क्या है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है साइंटिफिकली। तो इसीलिए पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे के तरीकों को यूज़ करने की। तो आपको साइंटिफिक ये बायोफ्लॉग किसान कैसे समझ पाएगा? इसीलिए जो फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक है, फिश विज्ञान के प्रोबायोटिक में हमने ये दुनिया का पूरे विश्व का पहला ऐसा बायोफ्लॉग का प्रोबायोटिक है जिसमें दो पैक आता है, एक स्टार्टर पैक और दूसरा मेंटेनेंस पैक। आप इसको ध्यान से सुनिए, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रोडक्ट मैंने बायोफ्लॉग के लिए बनाया है, फार्मर्स के लिए बनाया है, और एज अ रिसर्चर काफ़ी सोच समझकर बनाया है। तो आप भी जानते हैं कि ऐसा कोई प्रोबायोटिक पूरे वर्ल्ड में आता हो, भले ही हमसे बार बार ये वर्ड सुनने के बाद कुछ लोग ट्राई करें अलग बात है, मगर ये ऐसा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। और इसमें जो स्टार्टर पैक में है वो अमोनिया सोर्स होता है, और अमोनिया सोर्स हमने क्यों डाला है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि जब बैक्टीरिया को आप टैंक में डालोगे तो वो स्पोर फॉर्म में होता है, बीज फॉर्म में होता है। मैं स्पोर मतलब एक तरह का बीज होता है, और वो जो स्पोर फॉर्म होता है तो स्पोर फॉर्म में बगैर नाइट्रोजन के, बगैर अमोनिया के बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब जो स्पोर फॉर्म है उससे वो वेजिटेटिव स्टेट में आ जाएगा, लाइव हो जाएगा, मगर रिप्लिकेशन नहीं होगा। मतलब जो बैक्टीरिया एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, मतलब इस पर अमोनिया सोर्स के मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। जितना पाउडर में बैक्टीरिया रहेगा उतना ही एक्टिवेट होकर रह जाएगा, उससे अधिक बैक्टीरिया नहीं बनेगा जब तक के बैक्टीरिया को प्रोटीन सोर्स नहीं मिलेगा। और मैं अमोनिया सोर्स डाला हुआ है, जब आप टैंक में स्टार्टर पैक डालोगे तो उसमें अमोनिया सोर्स होने के कारण बहुत जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर में, इसलिए बनाया है कि अगर आपके टैंक में पहले से मछली है और या मर रही है, इमीडिएट आपको ट्रीटमेंट करना है, मेडिसिन ट्रीटमेंट करना है, तो पूरा पानी निकालना पड़ेगा। तो आपको अचानक से पूरा पानी निकालना पड़े, ड्रेन करना पड़े ट्रीटमेंट करने के लिए। उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद मछली ऑलरेडी आपके के फार्मर्स को अलग से प्रोबायोटिक परचेस करने की आवश्यकता नहीं पड़े। जो प्रोबायोटिक ऑलरेडी हम जो पैक है, यानी एक ही डब्बे में ब्लॉक फिर से रेडी हो जाएगा, फिर से तैयार हो जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पर्पस था। अब आ जाइए स्टार्टर पैक पर। तो स्टार्टर पैक आप जब यूज़ करोगे तो आपका अमोनिया कम्प्लीटली कंट्रोल हो जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर में इतना बैक्टीरिया हो जाता है टैंक में कि वो पूरा अमोनिया प्रॉपरली कंट्रोल कर सकता है। लेकिन फिर क्यों प्रॉब्लम आती है लोगों को? अब मैंने बताया ना कि आपको, आप याद कीजिए, मैंने बताया कि नमक में अगर आयोडीन वाला नमक आ गया या प्रिजर्वेटिव वाला गुड़ आ गया या कुछ दूसरे केमिकल्स हैं जिनसे बैक्टीरिया जिनमें सर्वाइव नहीं करता, तो अगर इस तरह का सर करेगी तो उसको टेस्ट एक किसान कैसे करेगा? तो लेबोरेटरी में जाकर आपके नमक को और गुड़ को टेस्ट कर सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में खासकर ये जो इंट्रोडक्शन किया है बकेट टेस्ट कंसेप्ट, ये मेरा ही कंसेप्ट है। बकेट मतलब बाल्टी। तो इस टेस्ट में क्या करना है कि आपको 2 बाल्टी ले लेना है, और दोनों बाल्टी में आप पानी भर लीजिए और दोनों बाल्टी में एरेशन चालू कर दीजिए, एयर स्टोन एक एक डालकर एरेशन चालू कर दीजिए।
और दोनों बकनिया होता है अपने, और भी किसी इंडिया में किसी प्रोबायोटिक में अमोनिया नहीं होता है, ठीक है। तो आप स्टार्टर पैक से एक एक चुटकी, एक एक पिंच आप प्रोबायोटिक ले लीजिए, एक पिंच एक बाल्टी में डालिए, दूसरा पिंच दूसरे बाल्टी में डालिए, और एरेशन दोनों में स्टार्ट कर दीजिए, और दोनों बाल्टी में प्रोबायोटिक, नमक और गुड़ दोनों तीनों चीज़ डाल दीजिए, और दूसरे बाल्टी में केवल प्रोबायोटिक गुड़ ये डालेगा, नमक नहीं डालना है। तो इस तरह से आप ये प्रिपरेशन करने के बाद, ये सारी सामग्री को मिक्स करने के बाद, उसका पानी को अमोनिया चेक करिए। इसी इमिडिएटली आप अमोनिया चेक कीजिए, आपके पानी में अमोनिया 4 से 8 PPM के बीच में बताना चाहिए फर्स्ट डे में ही। वो नोट करके रख लीजिए, दोनों बकेट का, दोनों बाल्टी का अमोनिया आप नोट करके रख लीजिए, और 12 घंटे बाद कभी भी आप अमोनिया चेक कीजिए। अगर अमोनिया आपका काफ़ी कम हो गया, मतलब अगर 4 PPM था तो 0 हो गया, 0.5 हो गया, 1 हो गया, ये है कि जो प्रोबायोटिक, जो बैक्टीरिया आपने डाला था वो भी काम कर रहा है, जो गुड़ है आपका वो भी सही काम कर रहा है, और जो नमक है वो भी सही काम कर रहा है, ये प्रूफ हो जाएगा आपको। यानी ये तीनों चीज़ की वेरीफाई, ये साइंस, ये साइंटिफिक वेरिफिकेशन हुआ। तो अब आपको कुछ अटकलबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे वो प्रोबायोटिक काम करे कि नहीं कर रहा है, हम वो डाला था प्रोबायोटिक, मेरा अमोनिया कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये सब अटकलबाजी और दूसरे को इल्ज़ामबाजी बाजी ये सब करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप सबसे पहले प्रोबायोटिक मंगाकर अमोनिया का बकेट टेस्ट कीजिए, मेरी गारंटी है अमोनिया कंट्रोल होगा। हाँ, अगर आपका मॉर्निंग में आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि जिसमें नमक और गुड़ दोनों था उसमें अमोनिया कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन जिसमें नमक नहीं था केवल गुड़ था उसमें अगर अमोनिया कंट्रोल हो गया, इसका मतलब कि जिसमें गुड़ था उसमें कंट्रोल नहीं हुआ, मतलब गुड़ में प्रॉब्लम है। तो आप अपना कीजिए, इस तरह से आप जो भी गुड़ लेके आते हैं उसको बकेट टेस्ट कीजिए, जब तक के बकेट टेस्ट में सक्सेस नहीं होता है वो गुड़ आपको टैंक में, मछली वाले टैंक में प्रयोग नहीं करना है। ना किसी लेबोरेटरी की ज़रूरत है, ना किसी और टेस्टिंग, केमिकल टेस्टिंग की ज़रूरत है, आप आराम से एक बकेट में ये टेस्टिंग कर सकते हैं। ये टेस्टिंग आप करोगे, मेरी गारंटी है आपका अमोनिया कंट्रोल होगा, अमोनिया नहीं कंट्रोल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस तरह से आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपके नमक में आयोडीन, अगर नमक में आयोडीन होगा तो जिस टैंक में, तो दोनों ही बकेट में इनफैक्ट नमक, सॉरी, जिस टैंक में केवल नमक था उसमें अमोनिया कंट्रोल नहीं होगा। अगर नमक में प्रॉब्लम होगी तो जिस बकेट में केवल नमक था उसमें अमोनिया कंट्रोल नहीं होगा। तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि प्रॉब्लम नमक में है कि प्रॉब्लम मोलासेस में है या गुड़ में है। तो आप जब भी आप अपना बायोफ्लॉक प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए, जब भी जितनी बार भी मार्केट से आप नमक या गुड़ लेकर आते हो तो आप उसका बकेट टेस्ट ज़रूर कीजिए टैंक में डालने से पहले। क्योंकि एक बार आपने आयोडीन वाला नमक अगर डाल दिया गलती से, या क्योंकि होता है ऐसा, आपका कल्चर चल रहा है, आपका नमक ख़त्म हो गया बीच में और फिर कहीं और से नमक ले आए, अब तक तो आपका अमोनिया कंट्रोल हो रहा था लेकिन अब आपका अमोनिया कंट्रोल नहीं होगा और आप सोचोगे कि कुछ प्रॉब्लम है प्रोबायोटिक में ही। इसी तरह से आपका कल्चर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और आपका गुड़ ख़त्म हो गया और आप सोचोगे बाजार से नया लॉट का गुड़ आप लेकर आ गए, अब उस गुड़ को डालते ही आपका अमोनिया कंट्रोल बंद हो गया, फिर आप सोचेंगे कि आपका दिमाग गुड़ पर नहीं जाएगा, आपका दिमाग केवल यही इसी चीज़ पर जाएगा कि प्रॉब्लम प्रोबायोटिक में है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सटीक और कंप्लीटली कंफर्म होने के लिए कि प्रॉब्लम सॉल्ट का है कि मोलासेस का है या गुड़ का है, उसको कंफर्म होने के लिए कर लिया अगर, आप समझ लो आधी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई अमोनिया कंट्रोल की।
और इनफैक्ट बकेट टेस्ट कर लिया तो आधा साइंस समझ लिया आपने बायोफ्लॉक का। अगर बकेट टेस्ट को समझ गए तो आप समझ लो कि आपने बायोफ्लॉक का आधा साइंस समझ लिया। चलिए, असल में मैं चाह रहा था कि इसको पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना, मगर जैसा कि जो मैंने सिस्टम सेटअप किया था कि प्रॉब्लम के कारण, तो अब मुझे फिर से ऑनलाइन आना पड़ा। मैं 9 बजे से ट्राई कर रहा था, वो हमारे एक नए सिस्टम डायरेक्टली आना पड़ा फेस टू फेस इस मेथड से, फ़ोन से। और फ़ोन से प्रॉब्लम ये होती है कि मैं बहुत कुछ ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता। मैं एक्चुअली लैपटॉप से ऑनलाइन आना चाह रहा था, जिसमें मेरा फेस भी जाता, मेरा स्क्रीन भी जाता लैपटॉप का, और वो लैपटॉप के स्क्रीन पर मैं ड्रॉ करके आपको समझा पाता जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। खैर ठीक है, फिर कभी ट्राई करेंगे। अंग्रेज सिंह ढिल्लो इज आस्किंग, हेलो सर, हाउ आर यू? माय क्वेश्चन इज हाउ कंट्रोल टेम्परेचर इन विंटर सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल अंग्रेज सिंह ढिल्लो सर, योर टैंक शुड बी इन अ क्लोज्ड शेड एंड योर शेड शुड बी ग्रीन हाउस शेड तो कंट्रोल। सो द आइडिया ऑफ हैविंग ग्रीन हाउस शेड इज दैट देर शुड बी नो टेम्परेचर, नो हीट एस्केप from inside to outside. No heat should be able to escape from inside to outside, but heat or any temperature, any sunlight warmth should be able to come inside. Sunlight should be able to heat your internal environment, but heat generated inside your shed, it should not be able to escape. Actually, you would have seen lot of greenhouse plantation. So you should make similar greenhouse. Your temperature will be proper in a winter season also. DP Film पूछ रहे हैं कि shrimp farming cement tank में हो सकती है और आपका प्रोबायोटिक से कर सकते हैं बायोफ्लॉक में। यस, हमारा जो प्रोबायोटिक है वो ऑलरेडी श्रिम फार्म्स में यूज़ हो रहा है, और श्रिम फार्मिंग सीमेंट टैंक में बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैक्सिमम एंड मिनिमम सी दैट इन अ बायोफ्लॉक टैंक यू कैन कल्चर एनी फिश, बट यू हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर स्पेसिफिक फिश। Plus, you should be able to get a seed also for a particular fish. Like if you talk about pomfret, so pomfret is a thing, there is seed available for pomfret. So whichever fish whose seed is available, you can culture that fish in a bioflock tank, but you have to make sure that the size of tank have a fish which generally survives in high density, like koi or other fishes, singhi, magur, they can survive in very high density and they are air breathers. After experience, you can culture up to 600 to 700 kg, and first time when you are doing as a trial, don't go for 600 to 700 kg target. You go for only 300 to 400 kg targets. As far as you are talking about live on dissolved oxygen, So if you are going to culture rohu in a tank, you make sure the size of aeration, because once these fishes grow, they need lot of oxygen because they are not air breathers. They will purely depend on DO. So you will. पाउडर देना होगा। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर अलग अलग स्ट्रेंथ का आता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है एक्चुअली उसमें है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर अगर, तो उससे सैनिटाइज हो जाएगा आपका पॉन्ड वाटर। 1 ppm ऑफ क्लोरीन चाहिए। तो आज रियली नेटवर्क बहुत ही बुरा है, और मेरे पास मोबाइल में डेटा है, उसी से ऑनलाइन आ पाता हूँ। अमर खान साहब, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द डिटेल सिटी।
सो यू कैन गो फॉर इन इन 10,000 लीटर, यू कैन यू कैलकुलेट एज पर 10,000 लीटर. फॉर रोहू यू गो फॉर 200 kg टारगेट. सो इन 30,000 लीटर यू कैन टारगेट फॉर मरेल ऑल्सो. पैंगासियस यू कैन टारगेट 1,200 kg फॉर 30,000 लीटर. ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, आई विल गिव यू माई नंबर इज पब्लिक, यू जस्ट वॉच वीडियोज, इवन माई नंबर चैनल. आई कैन ओनली डू इज आई कैन हेल्प यू थ्योरेटिकली, आई कैनॉट सप्लाई यू एनी प्रोडक्ट. सो ड्यू टू दैट रीजन देर इज नो पॉइंट यू नो लाइफ कन्वर्सेशन. एंड एज आई हैड अनाउंस अर्लियर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर माई स्टूडेंट्स वेरी सून. एंड आई विल कम अप विद द टेलीग्राम ग्रुप्स एज वेल एज सम अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मेथड फ्रॉम वेयर ऑल ऑफ यू कैन बी कनेक्टेड टू मी. सो डोंट वरी. मकसूद श्याम पूछ रहे हैं कि सर फिश शॉटिंग के बारे में बताइए. फिश शॉटिंग शूटर्स होती हैं, मतलब उनमें कुछ मछलियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, कुछ मछली थोड़ी छोटी रह जाती हैं. जो छोटी रह जाती हैं वो छोटी ही रह जाती हैं क्योंकि उनको भोजन सही से नहीं मिलता. बड़ी मछलियाँ भोजन अग्रेसिवली खा लेती हैं, तो इसके कारण मछलियों का साइज छोटा बड़ा होने के कारण छोटी जो है वो बहुत छोटी रह जाती हैं. ट्रेडिंग में क्या किया जाता है कि जो एक साइज़ की बड़ी मछलियाँ हैं वो निकाल कर आप अगर बेचने लायक हो गई हैं तो आप बेच सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड पार्शल हार्वेस्टिंग. और अगर बेचने लायक नहीं, आप चाहते हैं कि उसका थोड़ा और ग्रोथ करना है, तो आप दूसरे टैंक में, तो इस तरह से आप अलग अलग साइज़ की मछलियों को अलग अलग टैंक में सेपरेट कर देंगे तो ग्रोथ अच्छा आएगा. इसी को ग्रेडिंग बोलते हैं. जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है हमारी वो स्टार्ट हो जाएगी. इसका रजिस्ट्रेशन 10 10 दिन के आसपास में स्टार्ट हो जाएगा. और उसका डेट कब से स्टार्ट होगी ट्रेनिंग वो भी मैं अनाउंस कर दूंगा. जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो 15 दिन के आसपास, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है. क्योंकि देखिए, ट्रेनिंग दे देना इम्पोर्टेंट नहीं है, अधिक डिले नहीं होगा. ये ऑनलाइन ट्रेनिंग लगभग 15 दिन के आसपास में स्टार्ट हो जाएगी और उसका रजिस्ट्रेशन भी 1 हफ्ते के अंदर में ये स्टार्ट हो जाएगा. और ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, ये मेरी पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग होगी. ये मैं अभी पत्ता खोल रहा हूँ, ये मैंने अभी सीक्रेट रखा हुआ था अभी तक. लेकिन इसमें आगे की रूपरेखा भी अभी नहीं बताऊंगा कि 1 महीने की ट्रेनिंग कैसे होगी, मगर आप समझ लीजिए कि ये पूरी 1 महीने की ट्रेनिंग होगी. और इस 1 महीने में मैं बायोफ्लॉक का आपको कीड़ा बना दूंगा, आपको मैं बायोफ्लॉक का मास्टर बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है. और जो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है वो पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग होगी. थोड़ा धैर्य रखिए और अभी इधर उधर मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है. आप हमारा जो स्ट्रीम्स है, लाइव स्ट्रीम्स है, देखते रहिए. जो छोटी मोटी जानकारियां हैं वो ऐसे ही मैं देता रहूँगा. और भी बहुत जल्दी मैं असल में सब काम कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, रात दिन आप समझ नहीं पाओगे. मैं कल भी बैकएंड पे, मतलब पूरा सिस्टम जो बनाना है ट्रेनिंग का, मतलब कौन से सॉफ्टवेयर से कैसे ट्रेनिंग होगी, उसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा, ये सारा इसी पे लगा हुआ हूँ मैं. कोर्स जो होगा वो कैसा होगा, 30 दिन में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल कैसे होगा. ऑनलाइन ट्रेनिंग तो होगी मगर पूरा प्रैक्टिकल भी होगा, तो वो सारी चीज़ कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है. और इसको मैं रात दिन इसमें लगा हुआ हूँ कि ये चीज़ कैसे परफेक्शन के साथ तैयार हो जाए कोर्स. तो जल्दी ही इसका पूरा कोर्स का रूपरेखा तैयार हो जाएगा. 1 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा स्टार्ट, और 15 दिन के आसपास का डेट रहेगा ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट होने का.
सबीर जी पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट इंडियन तारपोलिन। देखिए तारपोलिन ऐसा है कि इंडिया का हो या कोरिया का हो वो कोई डिफरेंस उससे, इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे तारपोलिन हैं इंडिया के जो बने हुए हैं, कोरिया का भी बहुत अच्छा तारपोलिन होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी कुछ भी बोलकर बेच दे रहा है और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर फॉलो नहीं होता तो कभी फट जाता है, कभी ली थोड़ा वेट कीजिए वो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा आपको। इसलिए मैंने बोला है कि हम आपके गुरु भी हैं और हमको आपको हेल्प करना होगा इस तरीके से, हम आपको हेल्प करेंगे आप मुझे हेल्प कीजिए, मार्केट से कम रेट में, मार्केट से बढ़िया पूरा टेस्टिंग करके प्रोडक्ट में आपको हम लोग के पास अवेलेबल हो जाएगा। हमारे पास 750 GSM का तारपोलिन 10,000 लीटर का आपको 7,500 रुपये में मिलेगा, ठीक है। अब इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता और वो गारंटी के साथ 750 GSM का होगा। अभी मार्केट में कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो बोर्डर है वो 550 GSM का लगा देते, साइड में 650 GSM लगा देते हैं, तो इस तरह की भी चीटिंग सब होती हैं। बहुत कलाकार लोग बैठे हैं जो पाइप बेचते हैं, वो पाइप में काट लेंगे, काट के दो दो बंडल बना देंगे उसको बेच देंगे, तो मैं सबका तोड़ लेकर आ रहा हूँ। मैं ऐसा जो है आपको जानकारी दूंगा जिससे आप धोखा नहीं खाएंगे, आप एक एक चीज़ सही से पकड़ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आई थिंक नेट के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हुई आज और आप लोग को और भी बैठने का मन है,